बैसा प्रखंड के मालोपाड़ा गांव में एक 8 वर्षीय बालक आदेश कुमार की हत्या गला रेत कर उसके चचेरे भाई ने ही कर दी है। हत्या के सही कारणों का पता नहीं चल सका है, किंतु बताया गया कि पुश्तैनी विवादों से ग्रस्त चचेरे भाई सूरज कुमार ने आदेश कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी और सबको स्कूल की सीढ़ी के पास छोड़ दिया। आदेश कुमार स्कूल के छत पर सूख रहे धान का पहरा दे रहे थे। इसी क्रम में पहले से घात लगाए सूरज कुमार ने चाकू से आदेश कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी, जिससे तत्काल आदेश कुमार की मौत हो गई। बाद में परिजन जब अपना धान देखने छत पर पहुंचे तो सबको सीढ़ी पर पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद परिवार में मातम फैल गया और तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच प्रारंभ करते हुए हत्या के आरोप में सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या के सही कारणों का पता भी लगा रही है। इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। 3:15 लगभग 3:15 तो आखिरी मुलाकात आपको अपने बच्चे से कब हुई? 3:00 3:00 क्या बोल करके आप बच्चे से गए? तो बच्चे सिर्फ खाना खिला, हम बोले जाओ धान पर बैठ के देखना हुआ, हम जब परोटा जा रहे हैं। तो कहाँ पर धान था आपका? स्कूल ऊपर। स्कूल पर कहाँ लगाए? ऊपर सूखे थे। हाँ ऊपर में दिया, सूखे थे। तो वो बोला कि तुम घर आओ जल्दी, तेल नहीं लेना तुमको। जी तो जैसे हम आए यहाँ मार्केट अपना बस्ती घुसने से पहले को हमको बताया ने तुम्हारा बेटा का ऐसा ऐसा घटना हो गया। अच्छा तो आप घर आए तो फिर हम आगे घर आके देखे हम की हथिकल हमारा बेटा का। कई क्लास में पढ़ रहा था? 3 क्लास में पढ़ रहा था। इस घटना के बारे में मुझे लगभग 6:45 पता चला शाम को, जब मैं पूर्णिया में था। जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी मिली व्हाट्सएप के द्वारा, मैंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया और मैं मेरे आने से पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन यहां पहुंच चुकी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन इसमें पूरी हमारी मदद करेगी इंसाफ के लिए।